साथ मौजूद हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, जिनके में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कैसे जो अनुसंधान है, रिसर्च होते हैं, साथ ही साथ उनको किसानों तक पहुंचाना, फील्ड पे ये सब चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं उन पर ध्यान रखना। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर अभी पहला सवाल तो मेरा यही आपसे कि पंतनगर यूनिवर्सिटी, वहाँ का किसान मेला, हज़ारों की संख्या में किसान यहाँ पे पहुँचे हुए हैं हर बार की तरह, क्या इस मेले के उद्देश्य को आप किस तरह से आप देखते हैं? पहले तो दीपिका जी आपका स्वागत किसान मेले में, क्योंकि ये किसान मेला जब तक आप लोगों कवरेज नहीं होता है, मीडिया कवरेज नहीं होता है, तो हम अपनी बात को बहुत अच्छे तक दूर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए मैं मीडिया पर्सन होने के नाते आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आपने पूछा इस मेले में हम क्या नया, तो देखिए मेला अपने आप में एक नया होता है, क्योंकि हर बार जब मेला होता है तो कुछ लोग पुराने आते हैं और कुछ लोग नए जुड़ते हैं हमसे। तो ये जो जोड़ करने का जो एक हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने से जोड़ पाएँ, ये उद्देश्य की हमारी प्रतिपूर्ति होती है। दूसरा आपने पूछा कि इस किसान मेले में नया क्या, तो नया किसान मेले में ये है कि हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों के पास हम केवल किसी एक पौधे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आज के दिन में। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि हमने जो एक आत्मनिर्भरता पाई खाद्यान्न में, वो हमारी ज़रूरत थी, क्योंकि हम 1960 की बात करें, PL 480 का गेहूं कहीं से आता था, लाल गेहूं हम लोग खाते थे। तो इस विश्वविद्यालय की तरफ से एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जिसमें कि नई वैरायटीज़, उन्नतशील वैरायटीज़, इन सब की बातें हुई, और उसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत आज आप देख रहे हैं। खाद्यान्न मामले में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अब आवश्यकता ये है कि जो हम करते हैं उसी से हम सीखते भी हैं। तो जो इस प्रोसेस में, पूरे 60 साल के प्रोसेस में ये देखा गया कि जो हम कर रहे हैं उससे नुकसान भी काफ़ी हो रहे हैं, तो इसलिए अब हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि हम इसको वन हेल्थ प्रोग्राम की बात करें। वन हेल्थ अगर आप कहेंगे तो मैं वन हेल्थ को जब हम बात करते हैं तो हम पूरे इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम जो बना होता है वो नेचुरल कैपिटल से, मतलब कि पानी है, सॉइल है, एनवायरमेंट है, प्रोड्यूस कैपिटल होती है, इसके बाद आपकी सोशल कैपिटल होती है और ह्यूमन कैपिटल होती है। ये चार एक अभिन्न अंग हैं किसी भी इकोसिस्टम के, और अगर हम इकोसिस्टम को होलिस्टिकली नहीं देखेंगे तो आने वाले दिनों में जो आप क्लाइमेट चेंज आज देख रहे हैं, आप इस समय बात चल रही है, देखिए कि हीट वेव्स आने वाली हैं, एडवाइजरी जारी हो रही हैं कि गेहूँ की जो हमारा उत्पादन है वो कम हो जाने वाला है, ये चैलेंजेस हैं जो हमारे आगे आने वाले दिनों में आएंगे। इसीलिए हमने इस बार देखिए नाम दिया है जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में किसान के सर्वांगीण विकास हित प्रयासरत कृषि विज्ञान केंद्र। तो हम इसको क्लाइमेट से देख कर चल रहे हैं। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो खाली हम ऊपर की बात नहीं करते, हम सॉइल की भी बात करते हैं। सॉइल हमारी पॉल्यूट हो रही है, सॉइल हमारी सही आप माने में देखें तो ऑर्गेनिक कार्बन जो उसकी एक कहीं रीढ़ की हड्डी है किसी भी सॉइल की, तो वो हमारी धीमे धीमे ख़त्म होती जा रही है। जो ज़्यादातर सॉइल हैं वो जो फर्टाइल सॉइल्स थी, यहीं की सॉइल जो फर्टाइल थी, बहुत सारी सॉइल अब जाकर वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो रही हैं, मार्जिन लैंड्स में कन्वर्ट हो रही हैं। तो इन सब को हमको दोबारा से लेकर आना है। जब हम दोबारा की बात को लानिंग करते हैं तो फिर हम खाली सॉइल की बात नहीं करेंगे, हम इन्वायरमेंट की बात नहीं करेंगे, हम ये भी कहेंगे कि वहाँ पर डाइवर्सिटी को आप इंटैक्ट रखिए। डाइवर्सिटी ये भी एक गेम है, इसको डाइवर्सिटी को आप मेंटेन करते हैं। पूर्वज जो हमारे कह गए थे, उनका एक बड़ा सिंपल सा उद्देश्य था कि उनकी छोटी सी ज़मीन में उन्होंने गेहूं भी उगा लेना है, उन्होंने चना भी उगा लेना है, उन्होंने उसमें जो है हॉर्टिकल्चर प्लांट भी लगा देना है, उन्होंने वेजिटेबल भी उगा लेनी है, वो सब काम करना है। ऐसे में क्या होता है कि जब भी कोई डिजीज़ आती है तो डिजीज़ में क्या होता है कि एक डिजीज़ का इनोकुलम बिल्डअप होता है। डिजीज़ ऐसे ही नहीं आ जाती कभी भी पेड़ के ऊपर, डिजीज़ का एक इनोकुलम बिल्डअप होता है जो इन्वायरमेंट के अंदर होता है, सॉइल के अंदर डेवलप होता है। उसकी डिजीज़ को आने के लिए उस इनोकुलम को, उस पैथोजन को एक लेवल तक आना पड़ता है जिसकी वजह से वो डिजीज़ क्रिएट कर पाए।
अगर तो हमारे पास एक डिजीज एक दिन में नहीं आती, वो उसके उसको डेवलप करने के लिए सालों लगते हैं, तो हमको यहाँ पर उस पैथोजन की लाइफ साइकिल को पूरा देख कर कितने दिन में वो बिल्डअप होता है और कैसे बिल्डअप होता है, अगर हम हमेशा उसको चेंज करते रहें, हम क्रॉप को चेंज करते रहेंगे, तो पैथोजन के पास, क्योंकि पैथोजन जो डेवलप होता है वो होता है किसी भी क्रॉप के एक्सुडेट से या किसी की क्रॉप के द्वारा बनाए गए इन्वायरमेंट की वजह से, तब वो डेवलप होता है। अगर आपने क्रॉप ही चेंज कर दी तो उसको मौका नहीं है कि वो अपने आप को बिल्डअप कर पाए। तो अब आपको इस तरह की पद्धति, इस तरह की टेक्नोलॉजीज लेकर आनी पड़ेंगी जो जिन टेक्नोलॉजीज से आप पैथोजन को किसी तरीके से दूर कर पाएँ अपने आप से। तो वन हेल्थ प्रोग्राम, और जब पैथोजन दूर होगा तो हमारी क्रॉप भी अच्छी होगी, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी, सॉइल क्वालिटी भी हमारी बढ़ेगी, और जब ऐसा होगा तो नेचुरली वो सारी चीज़ें आपकी ह्यूमन हेल्थ को गवर्न करती हैं। जब ह्यूमन हेल्थ अच्छी होगी तो फिर सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आप देख रहे हैं जो बिकॉज ऑफ द इल हेल्थ हैं, वो चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे आपका शुगर हो, चाहे बीपी हो, जो भी चीज़ हैं, ये भी हमारी टैकल होगी। तो मतलब अगर हम वन हेल्थ प्रोग्राम लेकर चलते हैं, वन इकोसिस्टम लेकर चलते हैं, और इकोसिस्टम होलिस्टिकली लेकर चलते हैं, तो आने वाले दिन में हम इन सारी कैपिटल्स को लेते हुए हम वन हेल्थ को सही ठीक ठीक तरीके से परिभाषित कर पाएंगे और किसानों तक पहुंचा पाएंगे। सर, जैसे भी आपने बात की कि पंतनगर यूनिवर्सिटी अब वन हेल्थ प्रोग्राम पर काम कर रही है और इसको इकोसिस्टम के साथ लेते हुए, तो आगे चलकर मतलब किस तरह से इसको फील्ड पे उतारने का आपका जो लक्ष्य है, तो उसका जो मॉडल है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा? मॉडल हमारा यही है कि हम किसान की, देखिए हर जगह इंसान की या कम्युनिटी की ज़रूरतें अलग हैं। आप गांव में जाएंगे तो वहां गांव में रहने वाली कम्युनिटी की ज़रूरत अलग है, जो दिल्ली में कम्युनिटी रहती है उसकी ज़रूरत अलग है। तो हमको, आप अल्मोड़ा में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ और दिखाई देगा, रुद्रप्रयाग में जाएंगे तो आपको कुछ और दिखाई देगा, पिथौरागढ़ में जाएंगे तो आपको कुछ और दिखाई देगा, वहाँ चैलेंजेस अलग होंगे। तो उन हम पहले चैलेंजेस को हम आइडेंटिफाई करें, चैलेंजेस को जब तक हम आइडेंटिफाई, पहले हमको आराम से, अभी बैठने का समय है, बैठने का समय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर पहले हम इसके ऊपर सोचें, एनालिसिस करें कि कहाँ हम गलत हुए, कहाँ पर कमियाँ थी, हम उन कमियों को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजीज कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी है, हमको खाली सोचना है कि कहाँ पर हमको किस चीज़ को लेकर आना है, जिससे कि किसान भी जो है वो हमारी कम्युनिटी का एक अभिन्न अंग है और हम उसको अलग तरीके से नहीं देख सकते। हमको उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पहाड़ पर महिलाएं काम करती हैं, डर्जरी की बहुत बड़ी एक चीज़ है, तो डर्जरी रिडक्शन भी हमको वहाँ पर देखना होगा। हमको उसकी आय के संसाधन भी देखने पड़ेंगे, संसाधन भी देखने पड़ेंगे, साधन भी देखने पड़ेंगे, और हमको उसकी मार्केटिंग भी देखनी पड़ेगी। किसी भी एक चीज़ को लेकर हम किसी की ना तो आय बढ़ाने का जो हमारा जो एक हमारा लक्ष्य है उसको हम एक किसी चीज़ से पूरी नहीं कर पाएंगे, तो हमको होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। यहाँ भी हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पोल्ट्री को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लाइव स्टॉक को भी, लाइव स्टॉक इन टोटलिटी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसको क्रॉप से देखना पड़ेगा, उसको वेजिटेबल्स देखना पड़ेगा, उसको हॉर्टिकल्चर से देखना पड़ेगा, और उसको फॉरेस्ट्रीज देखना पड़ेगा। खासतौर से मैं यहाँ पर ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि जो पहाड़ की खेती है उसके लिए आप देखिए, जब भी रेनफॉल होता है तो रेनफॉल के अंदर बहुत सारी सॉयल नीचे बह जाती है जो कि फर्टाइल लैंड होती है, जो बनती है, और जब वो चली आती है तो फिर नीचे से सॉइल आपकी जो है वहाँ पर आती है, तो उतनी फर्टाइल वो नहीं रह पाती है। हमको वहाँ सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ जो चीज़ें हैं वो हमको लेके आनी पड़ेगी। चारे की बहुत कमी है पहाड़ पे, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि चारे हम बंड्स पे लगा दें, क्योंकि वहाँ टेरेस फार्मिंग है, अगर हमने बंड्स पे लगा दिए तो सॉइल इरोजन कम होगा और चारे की समस्या जो है वो आपकी धीमे धीमे, एक दिन में कुछ चेंज नहीं होगा लेकिन धीमे धीमे जो है हम उसको आगे जाकर टैकल कर सकते हैं। लाइव स्टॉक का ना होना, वो ऐसा नहीं किसान चाहता नहीं, लेकिन उसको चारे की समस्या है, तो चारे की समस्या को भी हमको टैकल करना पड़ेगा। चारे की समस्या को हम सॉइल, क्या सॉइल इरोजन से हम जोड़ सकते हैं, हम चारा भी मिल जाए और सॉइल इरोजन भी कम हो जाए, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो इंटीग्रेटेड मोड में चलनी होंगी धीमे धीमे। आखिरी सवाल बस आपसे मेरा, अभी पूरी दुनिया जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बना रही है, और जब हमने स्टॉल यहाँ पे घूमे तो यहाँ पे मिलेट्स को बहुत ही उसको जो है प्रोत्साहित किया गया है, यहाँ पे मुझे जगह जगह दिखा। और सर, तो इस अभी पंतनगर यूनिवर्सिटी का मिलेट्स को और बढ़ावा देने के लिए आप लोग मतलब क्या आगे इसका प्लान है आप लोगों का? देखिए, मिलेट ये तो मोदी जी की अपनी कार्यकुशलता, जिसकी वजह से 72 देश इसमें मिले और ये आज हम इस दिन हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं,
बहुत खुशी होती है इस चीज़ को। और इसको देखते हुए आपने यहाँ पर देखा होगा मेले में कि इसके उत्पाद बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उत्पाद की और अगर आप उसका स्वाद देखें, हमको मिलेट को मिलेट की तरीके से, क्योंकि इसको गरीबों का अनाज वाली जो एक संज्ञा दी गई थी पहले, उसको हमें ख़त्म करना है। ये 5-स्टार होटल में आज वही मिलेट की रोटी 50 रुपये और 100 रुपये की आपको मिलनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि एक अवेयरनेस आई है। तो अवेयरनेस, आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पास ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजीज नहीं है, हमको अवेयरनेस दिखानी कि इससे हम कुछ कमा सकते हैं, हम इससे लोगों को और बेहतर कर सकते हैं। तो हमको दोनों तरीके से इसको जोड़ना है और 15 यूनिवर्सिटी इस चीज़ के ऊपर खास ध्यान दे रही है कि हम पैदावार की बात तो करें ही करें, हम आदमी के हेल्थ की बात भी करें, हम उसको टोटलिटी में देखें कि मिलेट, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि हेल्थ के साथ साथ उसकी मार्केटिंग कैसी, उसकी अपनी जेब भी भरनी चाहिए, तभी हम किसानों को कन्विंस कर पाएंगे। तो एक वहाँ भी हम मॉडल डेवलप कर पा रहे हैं जहाँ पर कि हम प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक उसको पूरे मिलेट्स को लिंक करें, ताकि जो उनके पैदा करने वाले अन्नदाता हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो पाए। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।